मकान मालिक को तो पुलिस अपने साथ लेगी ना। कहाँ मकान मालिक को साथ लेगी? साथ लेगी पुलिस। लेकिन उन दोनों को पेश करें, जब मैंने खुद देखा पेश करेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, नहीं तो कहीं नहीं जाऊँगी। चलो चलिए थाने चलिए, मुझे बिठा के जमा दे, मुझे बिठा के जमा दे। चार से थाने ये मर्जी क्यों? देखिए मेरा तो यही है, एक पत्नी दे वल्लों अपने पति नूं गर्लफ्रेंड दे नाल रंगे हत्थी काबू किया गया। दसिया जा रहा है कि दोवें ही इतराज़ योग हालत दे विच बैठे सी, ते जिवें ही पत्नी ने उसनूं देखिया तां मौके दे उत्ते काफ़ी शोर मचाया, जिस तों बाद आले दुआले दे लोग इकट्ठे होए। पर इन्हें नूं कहा जा रहा है कि जिस कमरे दे विच दोवें बैठे सी उसदे मकान मालक दे वल्लों गेट नूं बंद कर दिता गया। हालांकि मौके दे उत्ते पहुंचे लोगों दे वल्लों गेट नूं तोड़न दी भी काफ़ी कोशिश की गई, पर मौके दे उत्ते पुलिस जदों पहुंचती है, पर ठीक उस तों पहला मकान मालक दे उत्ते इल्ज़ाम लगे ने कि उसने दोवां नूं ही भजा दिता है। तो दस दिए कि जलंधर तों इह मामला सामने आया, जिथे कि एक औरत ने अपने पति नूं गर्लफ्रेंड समेत काबू किया। दसिया जा रहा है कि यह दोवें ही पति पत्नी एक किराए के मकान के रेंदे सी, ते नाल दा ही कमरा एक लड़की ने किराए के उत्ते लिया सी। तां उस लड़की दे नाल पति नूं काबू किया गया। मौके दे उत्ते औरत ने काफ़ी शोर मचाया, जिस तों बाद आले दुआले दे लोग इकट्ठे हुंदे ने अते गेट नूं तोड़न की कोशिश की जाती है, पर मकान मालक दे उत्ते हुण इल्ज़ाम लगे ने कि दोवां नूं उसने भजा दिता है। हालांकि जो औरत ने काबू किया अपने पति नूं, उन्हां दे दो बच्चे ने, पर इस दे बावजूद भी जो पति है उस लड़की दे नाल काबू किया गया। लड़की लेके था, मैं अभी मौजूदा टाइम पे अपने घर वाले को देखी हूँ कि वो लड़की लेके था। मैं वहाँ से छत तक के गई, छत पे खड़ी होकर देख रही हूँ कि लड़की को और मेरे घर वाले को ये मकान मालिक चप्पल पकड़ा रहे थे, बैग पकड़ा रहे थे, पता नहीं कहाँ गायब पड़ती है। 3 घंटे से मैं 8 बजे से आके यहाँ पे बैठी हूँ, ये लोग अंदर थे, बुआ नहीं खोले थे, पुलिस के आने के बाद 2 घंटे तक बुआ नहीं खोला, फिर पुलिस ने बुआ खुलवाया थे तो आप अंदर पड़ गए, मेरे घर वाले को भगा दिए, मेरे को बाहर ही रहने दिए, अंदर नहीं जाने। किस एरिया में खड़े हो आप अभी, कहाँ पहुँचे हो? ए, मकान मालिक का नाम पता है आपको? मकान मालिक का नाम नीति क्या थे? नीति नीति नहीं, उसका नाम कुछ और है। आपके घर वाले का क्या नाम है? आपके घर वाले का? मेरा घर वाले का नाम दिनेश है। और इस किस लड़के के साथ रह रहे हैं? प्रीति नाम है उस लड़की का, जिस लड़की के साथ। आपके बच्चे भी हैं? आपके? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। डिवोर्स हुआ है आपका उनके साथ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्यों रह रहे हैं उनके साथ? फिर वो मकान मालिक रख रहे हैं ना, यही है। नहीं, वो मेरी लड़की नहीं, मेरी लड़की घर। सो अब पुलिस प्रशासन को आपने दरखास्त दे दी? मैंने पुलिस प्रशासन को दरखास्त देने गई तो पुलिस प्रशासन नहीं आ रही थी, अभी अचानक ही पुलिस प्रशासन 4 घंटे बाद आई है तो अंदर बढ़ गई, 1 घंटे तक दरवाजा खुलवाई, फोन पे पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, अंदर से दरवाजा खुलवा के अंदर पड़ गए, मेरे को अंदर जाने नहीं दिए, फिर अंदर से आप उसको भगा के फिर बाहर आके मेरे को कह रहे जाके देख लो। अच्छा, अंदर मौजूद नहीं है वो? नहीं, अंदर मौजूद नहीं, उसके कपड़े मौजूद है सारे, एक रूम में ताला लगा हुआ। तो अगली कार्रवाई क्या कराओगे आप? अगली कार्रवाई मकान मालिक मेरे को दोनों को पेश करवाए, फिर मैं मकान मालिक को छोड़ूंगी नहीं, इसका जिम्मेदार मकान मालिक है। ठीक, चलो प्लेट दी जाऊंगी लिखती, ठीक है, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? अच्छा, लड़की भी थी, आंटी चप्पल और फॉर्म मशीन सब लेके भगा रही थी। नहीं, इसका तो पिछला गेट था, कोई इसी मकान कोई रास्ता है? हाँ, जाके देखो, ऊपर रास्ता है, कोठे कोठे से ऐसे भगा। आप कंप्लेंट दोगे इसके खिलाफ? आप कंप्लेंट देने जा रहे हो? मुझे बताओ, थाने में किस हिसाब से मैं कंप्लेंट दूं? थाने वालों ने भगा दिया है। अच्छा, उसका क्या प्रूफ है? क्या मैं किस तौर पे दूं थाने में कंप्लेंट? सो तो अंदाजी पहला भी एलिगेशन लग रहे हैं, तुम 10,000 रुपए लिया आई वो लगा रहे थे आरोप, वो लड़की वालों आरोप लगा जा रहा, लड़की वालों आरोप लगाया जा रहा थाने 95 साल मूहरे माता पई है।